जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, ब्रह्म के बारे में तो चर्चाएं हमारी बहुत होती हैं कि ब्रह्म ऐसा, ब्रह्म वैसा, ब्रह्म वैसा, ब्रह्म ऐसा। खाली बातों से मुझे लगता है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं। बातों से कुछ नहीं होता है। जब तक मन मस्तिष्क में उस प्रभु की प्रतिष्ठा नहीं होती है, तब तक बातें कितनी भी बना लो, ज्ञान की चर्चाएं कितनी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्संग कितना भी सुन लो, जब तक वो अंदर नहीं जाता है, जब वो अंतःकरण में जब तक वो प्रविष्ट नहीं होता, उससे जीवन नहीं बदलता है, तब तक कोई विशेष लाभ मैं नहीं कह सकता हूँ। और जब तक विवेक वैराग्य हमारे जीवन में नहीं होता है, तब तक ब्रह्म की चर्चाएं कितनी भी कर लो। विवेक और वैराग्य, वैराग्य नहीं होगा तो आप समझ सुन भी लिए तो कुछ कर नहीं सकते हो। विवेक नहीं होगा तो एक सही रास्ते की तरफ आप जा नहीं सकते हो। तो विवेक वैराग्य का होना ब्रह्म की कहूँ की प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। ब्रह्म की प्राप्ति यदि करना तो चाहते हैं आप, पर उसके लिए खाली भाषण और बातें, ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी रह जाती हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक गांव में एक लड़का रहता था और वो बड़ा चंचल स्वभाव का था। यहाँ वहाँ घूम करके थोड़ा नटखट बाजियाँ किया करता था, थोड़ा नटखट सा था वो। तो गाँव में एक बहुत प्राचीन मंदिर था जो कि बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ था, जिसमें भगवान की कोई मूर्ति भी नहीं थी। उसमें मूर्ति गांव की चोरी हो गई थी, तो वहाँ भगवान की कोई मूर्ति भी नहीं थी। मंदिर बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ था और उस गांव जो मंदिर था उसके दीवालों पे कहूँ कि जब गिरी हुई थी तो उसमें अनेक प्रकार के पेड़ आदि सब उग गए थे। पीपल का, बरगद के सब पेड़ उगने लग गए थे। और जो उसके अंदर साइड थोड़ा सा था खंडर टाइप में जो गिरा हुआ था, उसमें कुछ चमगादड़ उमगादड़ ने अपना घर बना रखा था। वहाँ अपनी मलमूत्र आदि छोड़ते थे उसी मंदिर के अंदर। गांव के लोग अपने कामकाज में लगे हुए थे, उस मंदिर में कोई जाता आता नहीं था, वो बिल्कुल खंडर बंद पड़ा हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि ये जो नटखट सा लड़का था, इसने क्या किया कि घूमते घूमते गया, मंदिर के पास पहुंचा और एक पुजारी थे, उनसे शंख मांग के लाया ऐसा ही खेलने के लिए। और वो उस मंदिर के अंदर जाकर के लगा शंख बजाने और वो एक दो मिनट तक शंख बजाता रहा। गांव वालों तक आवाज गई शंख की, तो गांव वालों ने कहा कि इसमें तो कोई मंदिर में तो है नहीं मूर्ति, मंदिर में कोई मूर्ति तो है नहीं, तो लगता है किसी ने आके दोबारा किसी भगवान जी की, किसी माधव की स्थापना की है इसमें, केशव या माधव की। तो गांव वाले बड़े उत्सुक होते हैं, जब कोई फंक्शंस होता है, कोई कार्यक्रम होता है ना, लोग चलते, चलो 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 आरती देखेंगे और वहाँ बड़ा अच्छा लगेगा, भगवान जी नए आए हैं, इस टाइप में करके गांव में एक हलचल सी होती है। तो सबने सोचा कि लग रहा है कि कोई आके नई मूर्ति की स्थापना कर रहा है और उसी के लिए आरती हो रही है शाम की, चलिए आरती देखेंगे। और गाँव के सारे लोग भागते हुए आते हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्रियाँ, सारे लोग आते हैं। मंदिर के समीप पहुंचते हैं, पहुंचते ही वहां खड़े होते हैं और कुंडी खोलते हैं, तो उसमें देखते हैं कि उन गांव का नादान नटखट बालक बैठा हुआ है और वो मंदिर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, ना उसमें कोई मूर्ति आई है, ना उसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण हुआ है। वो बेटा, वो बच्चा अपना शंख बजा रहा होता है, तो लोग उसे रोकते हैं कि ए रुको, इसमें तो किसी मूर्ति की स्थापना हुई ही नहीं, तो आप शंख क्यों बजा रहे हैं, क्यों, ये तो सब व्यर्थ है, आप ये जो काम कर रहे हैं तो व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ तो मूर्ति है ही नहीं, यहाँ तो भगवान प्रतिष्ठित है ही नहीं। इसी प्रकार जब तक आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर, अपने अंतःकरण में भगवान की पद प्रतिष्ठा नहीं रखते हैं, भगवान की पद प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, भगवान को स्थापित नहीं करते हैं, तब तक कितनी भी बातें बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो शंख बजा रहा था, खूब आवाजें कर रहा था, पूं पूं ची ची की खूब आवाजें कर रहा था, लेकिन कोई फायदा था क्या गांव वाले आए तो? नहीं फायदा था, क्योंकि वह भगवान जी थे ही नहीं। जब तक तुम्हारे अंतःकरण में प्रभु का प्रेम, प्रभु की लालसा, प्रभु की कृपा नहीं आएगी, तब तक कितनी भी बातें बना लो। मंच से बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, ब्रह्म को ऐसे जानो, ब्रह्म को वैसे करो। हमेशा ये ध्यान रखो, कुछ भी सुन लो, जब तक आपके स्वयं के अंदर एक सच्ची श्रद्धा, प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम, आगे बढ़ने की सच्ची शक्ति नहीं होगी, तब तक आप ब्रह्म की कहूं कि एक धूल के बराबर भी अनुभूति नहीं कर सकते हैं।
यदि ब्रह्मानुभूति चाहते हैं, यदि ब्रह्म की प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और यदि ये चाहते हैं कि ईश्वर से हमारा मेल हो, तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि अपने अंतःकरण में उस प्यारे प्रभु को स्थापित कर लो। नहीं तो ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े कौन लेक्चर कि हम जानते हैं ये ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, इन विवादों में फंसने वाला कभी ब्रह्म को जान नहीं सकता है। और मैं दावा दे के कह सकता हूँ कि वो तो जो ऐसे कहता ना कि ब्रह्म ऐसा है, मैं जानता हूँ, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, समझ लेना कुछ नहीं जानता है, खाली गप्पे मार रहा है, बातें बनाना जानता है, तो और कुछ नहीं जानता। ब्रह्म के स्वरूप को समझने के लिए तो शुद्ध अंतःकरण और बहुत ऊंची विद्वत विचारधारा चाहिए। जब तक हम अपने प्रभु को अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करके उसके प्रेम में पागल नहीं हो जाते, तब तक समझ लेना उसकी अनुभूति संभव नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि सबसे पहले हम उसे अंतःकरण में स्थापित करें। यदि हमने उसे अंतःकरण में स्थापित कर दिया तो हमारा जीवन स्वतः ही कलाओं से युक्त हो जाएगा और हमारे जीवन में एक नया प्रकाश स्थापित होगा और वो प्रकाश हमें गति देगा, जिससे हमारा जीवन बहुत ऊंचाइयों को छुएगा और हम बहुत उन्नति को प्राप्त होंगे। और यदि हम खाली बातें बनाते रहे करते रहे तो समझ लेना कोई सार्थक काम नहीं कर रहे हैं और इसका कोई सार्थक रिजल्ट भी नहीं होने वाला है। बातें सुन लिया, चार लोगों के सामने हमने भी बैठ के ज्ञान झाड़ दिया, पर कुछ होने वाला नहीं है। सच्चे प्रभु की प्राप्ति तो अपने स्वयं के अंतःकरण से होती है। जब स्वयं का अंतःकरण जागृत होता है, उस प्यारे प्रभु के प्रेम में पागल होता है, तो परमात्मा स्वतः ही दौड़े चला आता है। जैसे कि एक बेटा रो रहा होता है खिलौने के लिए और उसकी माँ उसे तुत्कारती है, पुचकारती है, फिर भी वो रोता रहता है। उसकी माँ सारा काम छोड़ करके खिलौना देती है, खिलौने को फेंक देता है, फिर रोता रहता है, तो उसकी माँ सारा काम छोड़ करके आकर उसे गोदी में बिठा लेती है। इसी प्रकार जब तुम हर चीज त्याग के, संसार की हर वस्तुओं को त्याग करके परमात्मा के प्रेम में पागल हो जाओगे, तो स्वतः ही आके तुम्हें गोदी में उठा लेगा। बातों पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहस का विषय नहीं है ये। विषय अंतःकरण का विषय है, ये विषय ज्ञान का विषय है, ये विषय बहस का हो ही नहीं सकता है। और जो इसे बहस की दृष्टि से देखते हैं, जो इसे शास्त्रार्थ की दृष्टि से देखते हैं, समझ लेना हो कि बहुत गाड़ी अभी हल्की चल रही है। तो इसलिए यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो बातें नहीं, उसके लिए अंतःकरण में उसका प्रेम होना चाहिए, अंतःकरण में उसे स्थापित करें। जैसे मंदिर में नहीं था ईश्वर, कितनी भी आवाजें कर लो, कितनी भी वहाँ डीजे बजा लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब तक आपके इसी प्रकार जब तक आपके अंतःकरण में ईश्वर प्रविष्ट नहीं होता है, तब तक कितनी भी आवाजें लगा लो, यहाँ जा लो, गंगा जा लो, ये नहा लो, वो दर्शन कर लो, कोई फायदा नहीं है। बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, चारों धाम सब जगह चले जाओ, कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा जब तक ईश्वर आपके अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं होगा। आवश्यक यह है कि ईश्वर अंतःकरण में प्रविष्ट हो, स्वयं प्रकाश फैलेगा, स्वयं हमारा जीवन कीर्तिमान होगा और हम कहूँ कि बहुत उन्नत गति को प्राप्त होंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।